सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली गाइज, GoPro का जो हमने स्क्रीन गार्ड है वो हमने मंगवा लिया है। मंगवा क्या लिया, मैं खुद ही लेकर के आया हूँ, ये आज ही लेकर के आया हूँ। और आज ही मैंने सोचा यार, एक्साइटमेंट इतनी है कि यार जो काम हो जाए वो हो जाए, निपट जाए किसी तरीके से, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन सबसे पहले है। सब कुछ भूल जाऊँगा बट इसकी प्रोटेक्शन जो है सबसे पहले मुझे चाहिए। स्क्रैचेस आप लोग देख सकते हो लग रहे हैं, मैंने सेकेंड हैंड लिया है बट उस बंदे ने केयरफुली इतना नहीं रखा हुआ था, स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो चुके थे। लेंस पे इतने ज़्यादा नहीं है बट हाँ, बैक स्क्रीन पर और यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन पर भी स्क्रैचेस जो थे पड़ने शुरू हो गए थे। दैट्स वाई जो मैंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए, जब आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इतना प्रोटेक्शन भी करना लाजमी बात है कि करना ही पड़ेगा। तो अब इसका प्रोटेक्शन के लिए मैंने ले आया हूँ इसका स्क्रीन गार्ड। ये मुझे कितने का पड़ा ये मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। 9 की जो सीरीज़ आती है, GoPro 9 की सीरीज़ प्रोटेक्टर की, वो 11 तक काम करती है। मतलब इन द सेंस, अगर आप GoPro 9 का स्क्रीन गार्ड लेने जा रहे हो तो वो आपका सेम 10 11 तक सेम ही रहता है। उसके बाद जो है आगे उसकी पोजीशनिंग वगैरह सब चेंज होती है। हो सकता है 12 में भी सेम हो बट अभी उसका कुछ पता नहीं है क्योंकि वो रिसेंटली आया हुआ है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए ओपन करते हैं। तो ये निकल आता है हमारा स्क्रीन गार्ड, ये निकल आता है हमारा फ्रंट लेंस का स्क्रीन गार्ड, और ये निकल आता है हमारा डिस्प्ले का, बैक डिस्प्ले का ग्लास। तो चलिए फटाफट से इसको निकालते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी किस तरीके की मिलती है। तो ये है इसका स्क्रीन का प्रोटेक्टर। मटेरियल की बात की तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहा है देखने में, तो हार्ड है। चलिए अब निकालते हैं हमारा बैक का, ये लेंस का हो गया, ओके इसका हो गया। अब हम निकालते हैं अपना ये हमारा डिस्प्ले का। तो चलिए एक एक करके फटाफट पहले इसको क्लीन कर लेते हैं हम, ताकि हमें ये जितना भी कूड़ा है इसको साइड पे कर देते हैं। अब ये निकालते हैं सफाई अभियान वाला। इसके अंदर हमें अल्कोहलिक पेयर पैड भी मिलता है जिससे हम इसको क्लीन करेंगे, और ये कुछ कार्ड्स वगैरह है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि इसका बाद में यूजेज होता है। पहले हम इससे हम इसको पूरा अल्कोहल वाले से क्लीन कर लेंगे। सारी चीज़ों को एक ही बार में क्लीन कर लें या एक एक करके करें, चलो एक एक करके करते हैं। और ये क्लॉथ भी दिया हुआ है कॉटन वाला, इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये। तो चलिए अपनी तरफ से हमने बिल्कुल चमका दिया इसको। अब इसके ऊपर जो है डस्ट पार्टिकल्स जो रह गए हैं छोटे मोटे, वो हटाने के लिए ये होती है। इससे हमारे जो है डिस्प्ले के ऊपर जो हमने सब साफ़ किया है, डस्ट जो भी होगी वो सब उतार देगा। इसको ऐसे ऐसे टैप करना है ताकि जितनी भी डस्ट हो वो सब इससे निकल जाए, इस पर चिपक जाए। गार्ड स्टिकर दिया है, तो पहला हमारा गार्ड स्टिकर निकालते हैं और इसको हमने पहले उठा लेना है हमारा स्क्रीन वाला प्रोटेक्टर। ये वाली साइड जो होगी ये अंदर से जो है रिमूव होगी, ये अंदर की साइड आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। ये वाली अंदर की साइड आएगी जहाँ पर ये स्टिकर है, जिस साइड को स्टिकर है ये ऐसे अंदर को घूम जाएगी। तो अब हमें इसको एज इट इज़ घुमाना है और पहले पोजीशन ले लेनी है। मतलब अब एक रैंडमली आप रखो पहले, ये नीचे की, ये हमारा सेंटर आ चुका बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम ये स्टिकर ऐसे
स्टिक कर देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से, डन। अब हमें इसको उठा लेना है इसी पोजीशन में, और एग्जैक्टली हमें इसका ये स्टिकर जो है वो उतार लेना है। इतना भी कुछ खास जिस हिसाब से दिया हुआ था वो काम कर नहीं रहा, क्योंकि स्टिकर की पोजीशन जो है थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। बट हम थोड़ा सा कहते हैं ना, जिसका काम उसी को सच है, बट कोई बात नहीं, हल्का सा बस ये डन। तो परफेक्टली हमने इसको लोकेशन पे प्लेस कर दिया है। अब इसको वाइप करना अपनी फिंगर्स वगैरह से, डन। अब इस स्टिकर की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको उतार देंगे। मतलब जिसका जड़ था वही हो गया, अंदर ही देखो डस्ट आ गई ना, अभी फिर उतारना पड़ेगा मुझे। तो फ्रंट वाले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिकॉज उसके अंदर डस्ट चली गई करते टाइम पे, बट आगे के लिए हमें थोड़ी सी सीख मिल गई है, वो भी मेरी गलती की वजह से हो गया, बट हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। तो चलिए एक बार लेंस को भी साफ कर लेते हैं इसी से ही, जो गड़बड़ इसमें होगी वो सोच रहे हैं कि इसमें ना ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल चकाचक से एकदम क्लीन है, विदाउट स्क्रैचेस आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको लगाऊंगा अपने तरीके से, ये गार्ड वार्ड के बिना, क्योंकि इस गार्ड ने तो मेरी, खैर छोड़ो, पोजीशन ले लेते हैं। परफेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में लग चुका है। मतलब अगर अपने तरीके से लगाओ ना तो हर चीज़ पॉसिबल बढ़िया तरीके से हो जाती है, और यहाँ पर ये देखो कितना स्मूथ लगा हुआ है, उसने सारा गड़बड़ कर दिया काम यार। चलो एनीवेज स्क्रीन पर आते हैं अब। चलिए अब इसको क्लॉथ से साफ़ कर लेते हैं, लगाते हैं इसको, होप सो कोई डस्ट नहीं है इसके ऊपर। ये आपको मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर कोई डस्ट ना रह जाए, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा। बढ़िया, सो फाइनली प्रोटेक्टर जो है काम कर चुका है अपना। ये देखिए ऑटोमेटिकली लग रहा है, देखो सेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, आप देख पा रहे होगे। इसको हल्का सा वाइप किए गए, वाइप किया वाइप, सो स्क्रीन कार्ड वाज वेरी परफेक्ट। एंड बस यहाँ मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया, अदरवाइज जो है स्क्रीन कार्ड की जो क्वालिटी है इट्स वेरी नाइस। और मैं आपको बताया था ये 200 रुपये का स्क्रीन कार्ड मैंने लाया था चांदनी चौक से, कुच्चा चौधरी करके एक गली है, कैमरे की मार्केट है, वहाँ से मैं इसका स्क्रीन कार्ड लाया था। ऑफलाइन मार्केट के अंदर, ऑनलाइन मार्केट जो मिल रहा है वहाँ पे स्कैम भी हो रहा है, 250 रुपये का दे रहे हैं, 300 का दे रहे हैं, बट वो कहीं पर किसी की गम नहीं निकलती है, चिपकता नहीं है, कहीं बार किसी का साइज इशू हो जाता है, तो ऑनलाइन का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ मेरे केस के अंदर ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको एक बार इसको ऑन भी करके दिखा दूँगा लास्ट में। फाइनली GoPro जो है ऑन हो चुका है, एकदम परफेक्टली कंडीशन में हमारे को ये विजिबिलिटी दे रहा है। इसकी स्क्रीन भी ऑन करते हैं,
तो चलिए स्क्रीन भी हमारी जो है ऑन हो चुकी है, इसकी मैं एक बार फ्लैश ऑफ कर देता हूँ, आपको दिखूँगा मैं। ये देखो, तो स्क्रीन भी परफेक्टली काम कर रही है हमारी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपने। इंस्टाग्राम मेरी आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।